अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इस दौरान एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस तस्वीर को देखकर सियासी हलकों में जबरदस्त चर्चा है। दरअसल लोकसभा सत्र के दौरान पीलीभीत के भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव आपस में बात करते हुए दिखे। तस्वीर में दिख रहा है कि लोकसभा की लॉबी में वरुण गांधी और डिंपल यादव बात कर रहे हैं। दोनों के बीच क्या बात हो रही थी ये तो सामने नहीं आया, मगर इस तस्वीर के बाद सियासी हलकों में कयासों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इस तस्वीर को लेकर क्या क्या अटकलें लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर। दरअसल समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और वरुण गांधी के बीच बातचीत की तस्वीरों ने कई सियासी आशंकाओं को जन्म दे दिया। आशंका जताई जा रही है कि क्या वरुण और अखिलेश यादव के बीच आगामी यानी आने वाले लोकसभा को देखते हुए कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि वरुण गांधी पिछले काफी समय से अपनी पार्टी यानी भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कई मौकों पर वरुण गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की आलोचना की है या विपक्ष के मुद्दे पर सुर में सुर मिला है। दरअसल अखिलेश यादव और वरुण गांधी दोनों एक दूसरे की तारीफ भी कर चुके हैं। अखिलेश तो यहां तक कह चुके हैं कि वरुण गांधी अच्छे नेता हैं, हालांकि पार्टी में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश गोलमोल जवाब देते गए। दूसरी तरफ वरुण गांधी भी कई मौकों पर अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं। उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शायद थे, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मान्यवर इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन के माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए कि कितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिले जिले पर मैं इस मानक के अंतर्गत आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा मन दिखा के सारे अधिकारियों को बोला कि भाई इसमें कोई राजनीति की बू नहीं है, इनकी मदद करें। अब सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा ने वरुण गांधी को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है, ऐसे में वरुण आम चुनाव 2024 को लेकर नया रास्ता पकड़ सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वो भाजपा का दामन छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि हाल फिलहाल की बीजेपी की मीटिंग में, जिसमें पीएम मोदी खुद मीटिंग ले रहे थे अपने सांसदों की, उस मीटिंग में वरुण गांधी जरूर नजर आए। वरुण फिलहाल पीलीभीत से भाजपा सांसद हैं। वरुण का राजनीतिक सफर भाजपा से ही शुरू हुआ और एक समय वो हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा भी रहे। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर वरुण गांधी भाजपा छोड़ते हैं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है जिसके साथ वो चल सकते हैं। दरअसल कांग्रेस में वरुण पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस की हालत अभी उत्तर प्रदेश में कमजोर ही है। बहुजन समाज पार्टी इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रही है और वो प्रदेश में लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जिसकी साइकिल पर बैठकर वरुण लोकसभा चुनाव 2024 का सफर आसानी से पार कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि डिंपल और वरुण की ये मुलाकात सिर्फ एक आम मुलाकात तक ही सीमित रहती है या फिर आगे जाकर ये नए सियासी गठजोड़ों और समीकरणों को जन्म देती है, जल्द ही इसका पता चल जाएगा। फिलहाल इस वायरल फोटो को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में खूब चर्चाएं की जा रही है, लगातार इस पर जो है बात हो रही है। तो भैया, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए पढ़ें यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।